राजीव प्रताप रूढ़ी के यहाँ से एम्बुलेंस बरामद मामले को शायद आप भूले नहीं हुए हैं। भूलेंगे भी कैसे, क्योंकि अभी तो एक सप्ताह भी नहीं हुए ये पूरा मामला उजागर हुए है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी एक और एमपी और केंद्र सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के क्षेत्र में भी एम्बुलेंस प्रकरण को और हवा दे दी। ऐसी स्थिति में अब भारतीय जनता पार्टी की भद पिट रही है और किरकिरी होता हुआ देख कई मामले सामने आ गए। इस मामलों में कहा यह जा रहा है कि राजीव प्रताप रूढ़ी के यहाँ जो एम्बुलेंस बरामद हुए उस पर अब कार्रवाई की बात और कार्रवाई की मांग बड़ी तेज़ हो गई है। इन सब मामलों को अब देखने वाली बात होगी कि राजीव प्रताप रूढ़ी मामले में जो सब कुछ सामने नज़र आ रहा था उसे छुपाने का किस तरह से प्रयास किया गया। आपने देखा होगा कि किस तरह से सामने आए नीतीश कुमार सरकार में एक लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता जिन्होंने सीधे तौर पर सुशील मोदी राजीव प्रताप रूढ़ी का बचाव करते नजर आए, पर अब ऐसा लग रहा है कि मामला गंभीर हो गया है क्योंकि राजीव प्रताप रूढ़ी ने भी अब इस मामले पर अपनी बात रखने का मन बना लिया है। शायद ये वो आसान बात नहीं था, पर लग रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व द्वारा राजीव प्रताप रूढ़ी को अब इस मामले में डांट पिलाई गई है। इस बीच आपको बता दें कि रूढ़ी प्रकरण में एक नया बात सामने आ गया है। एक संस्थान, स्वयंसेवी संस्थान है, जिसने इस पूरे मामले पर अब तक राजीव प्रताप रूढ़ी और उनके साथ इस मामले से जुड़े सभी लोगों पर FIR नहीं होने को लेकर के काफ़ी नाराज़गी जताई है। वेटरन फोरम ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर BN सिंह ने एडिशनल DG विजिलेंस को पत्र लिख करके इस मामले में कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने एम्बुलेंस के दुरुपयोग मामले में सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी, DM और सिविल सर्जन सारण के विरुद्ध FIR दर्ज कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। आपको बता दें कि इन सब बातों को लेकर के मामला गंभीर होता जा रहा है। इतने दिनों से चुप्पी साधे हुए राजीव प्रताप रूढ़ी, जिन्होंने चैलेंज किया था पप्पू यादव को, और पप्पू यादव इस मामले में पूरी तरह से अपने आप को समाजसेवी के रूप में और जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए एम्बुलेंस प्रकरण को सामने लेकर के आए थे। उसके बाद से पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो गई और गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी की भद पिट रही थी। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी और JDU के नेता भी राजीव प्रताप रूढ़ी के इस प्रकरण और पप्पू यादव की गिरफ्तारी के साथ खड़े हो गए थे। ऐसी स्थिति में लगातार ये कैंपेन चल रहा है पप्पू यादव की रिहाई का, और दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूढ़ी पर FIR दर्ज कर उन्हें सजा दिलवाने की। इन सब मामलों में आपको बता दें कि जब चर्चाएं तेज हो गई तो केंद्रीय नेतृत्व, जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं, राजीव प्रताप रूढ़ी पर दबाव बनाया और राजीव प्रताप रूढ़ी ने 18 तारीख को यानी कि कल प्रेस वार्ता बुलाई है और इस मामले पर वो अपना पक्ष रखेंगे। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो हमारे पास जानकारी आई है उस जानकारी के हिसाब से अब मामला गंभीर होता नज़र आ रहा है। सारण को लेकर के और सारण जिला के बिहार में परिचालित सांसद पंचायत एम्बुलेंस सेवा के संदर्भ में उन्होंने प्रेस वार्ता बुलाई है। देखना होगा कि क्या कुछ सामने आता है। क्या प्रेस वार्ता के दौरान ही राजीव प्रताप रूढ़ी की गिरफ्तारी होती है या फिर बात को सरकार और जो NDA है उसके नेताओं द्वारा राजीव प्रताप रूढ़ी के बाद किस तरह का बयान सामने आता है जिसमें इस पूरे मामले को गोल करने की प्रक्रिया कहीं नहीं अपनाई जा रही। देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले को लेकर के क्या कुछ सामने आता है। इंतज़ार कीजिए, हमारी नज़र कल होने वाले प्रेस वार्ता पर है, आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए क्योंकि सभी खबरें हम आप तक सबसे पहले पहुँचाते हैं और वो भी बिल्कुल मुफ्त। सिर्फ आपको भारत लाइव को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकॉन दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक कर लेना है, जिससे कि सभी खबरें आपको मुफ्त में प्राप्त होती रहेंगी। नया मोड़ आ गया है अब रूढ़ी विवाद में, रूढ़ी एम्बुलेंस विवाद में, और इस विवाद को देखना होगा कि कितना जल्दी सरकार और भारतीय जनता पार्टी शांत करती है। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।